हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ये फेसबुक पर ये देखिए, ये जो दिख रहा है आइकन, ये जो तीन लोगों ने देखा है या दो लोगों ने देखा है, कौन है? तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अपना नाम बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंस, और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तीन लोग कौन है। तो ये जो तीन या दो लोग जो दिख रहे हैं आपको, दो लोग हैं मेरे उस पर, आपके पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब। तो आप जानना चाहते हो कि ये कौन व्यक्ति है जो आपकी स्टोरी को देख रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये वो तीन लोग हैं जो आपके प्रोफाइल के अंदर आए हैं, आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड किया है, आप लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आपके चले गए फॉलो लिस्ट में। अब फॉलो लिस्ट में चले गए तो वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल जो वीडियो है आपको देख सकते हैं, जो आपने स्टोरी लगाई है उनके मैसेंजर से देख सकते हैं, इसीलिए वो आपको दिखते नहीं हैं, ऑर्डर में ही दिखाया जाता है कि। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज़ को कैसे देखा जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के लिए मैं आपको एक फेसबुक स्टोरी के बारे में, इतने एडवांस फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि आपने कभी देखा नहीं होगा। तो फेसबुक स्टोरी के पांच ऐसे हाइडन फीचर और हाइड फीचर आपको मिलेंगे कि आप देखने के बाद आप बोलोगे वाओ, ओ ऐसा भी होता है। जी हाँ, उस स्टोरी में आपको बता दूंगा कि आप जैसे पांच फेसबुक के ऐसे पांच हिडन फीचर, जैसे किसी के प्रोफाइल से आपको किसी का मैसेज सीन करना है और आप चाहते हैं कोई इस टाइप की डीपी ना जाए, जैसे किसी का मैसेज आता है तो आप उसका मैसेज सीन कर लेते, तो उसको देखिए इतने सी एक जो गोल्ड राउंड वाली डीपी होती है तो आपकी शो हो जाती है उसके पास, उसको पता चल जाता है कि आपने वो मैसेज सीन कर लिया। तो उस ऐप को अगर आप यूज करते हो, उसमें से मैसेज सीन करके और उसी को वहाँ से रिप्लाई देते हो, तो उस मैसेज में क्या होगा, आपकी डीपी नहीं जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने सीन किया है, आप सीन करके छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगला जो इसका बेनिफिट होने वाला है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस ऐप से आप किसी का भी फेसबुक स्टोरी को सीन करोगे, जैसे आप देखिए किसी का भी फेसबुक स्टोरी आप जाके सीन करते हो इस ऐप में जाके, क्योंकि सबकी फेसबुक स्टोरी का जो स्टोरी है वो इस ऐप में शो करेगी। तो आप यहाँ से जिसका भी फेसबुक स्टोरी को सीन करोगे तो उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी फेसबुक स्टोरी को सीन किया, उसके पास कोई व्यू नहीं जाएगा। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा लगा मेरे को इस ऐप का कि इसमें। अब दूसरा जो बेनिफिट है इस, जैसे आप किसी से फेसबुक स्टोरी सेंड मी बोलते हो, जैसे सेंड मी, आपको अगर वो स्टोरी अच्छी लगी और वो आपका मतलब आपसे बात नहीं करता है, लेकिन फेसबुक फ्रेंड है, लेकिन आपसे कभी कभार उसकी बात होती है या फिर नहीं हो पाती है, या फिर वो लड़की है तो वो आपको भाव नहीं देगी, मतलब लड़कियों का एटीट्यूड थोड़ा ऐसा ही होता है। तो वो क्या बोल, अगर आपने उससे बोला कि सेंड मी, तो वो क्या सोचती है लड़की, आप वो सोचेगी कि यार आप उसको लाइन मारने के लिए, मतलब वो उसको बात करने के लिए कोई वो निकाल रहे टॉपिक, तो वो इस टाइप से लड़कियाँ सोचेंगी। तो कुछ लड़कियाँ सेंड कर देती हैं, तो फिर आप, अब वो मान लो कि उसने मैसेज चेक किया 24 घंटे बाद, तो वो स्टोरी हट गई, तो अब वो आपसे ही पूछेगी या फिर उसको भी याद नहीं रहा, तो वो स्टोरी चली जाएगी, आपको वो स्टोरी नहीं मिलेगी। तो उससे पहले अगर आपको वो नहीं देता है, अगर मान लो कि 2-4 घंटे में नहीं देता है, तो आप उस स्टोरी को खुद से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, जैसे कुछ लोग ये ग्रीन बटन हाइड कर देते हैं, जैसे ये ऑनलाइन में देखिए ग्रीन बटन शो होता है, देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन बटन है इसको बंद कर देते हैं, जिससे पता नहीं चलता बंदा ऑनलाइन है कि नहीं है। तो आप इस ऐप में जाओगे, इस ऐप में आप उसका आपको एक साइड में स्लाइड करोगे, तो देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे ऑनलाइन दिख जाएगा कि कौन ऑनलाइन है या नहीं है, वो ग्रीन बटन जो चालू रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो ऑनलाइन स्टेटस दिखा जाएगा, आप देख लोगे, ठीक है। और अगला जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में यार, कि जैसे आप कोई भी म्यूजिक करके, वैसे जैसे आपने फेसबुक स्टोरी पर कोई भी सॉन्ग लगा दिया, आपने फोटो लगाया और उसमें गाना ऐड कर दिया, ठीक है, तो गाना ऐड करने के बाद आप उसको डाउनलोड करोगे गैलरी में लिए, तो वो देखिए वहाँ पे एक ऑप्शन मैसेज लिखा था, देखिए इस टाइप का कि मैं लिखा रहा है कि विदाउट कॉपीराइट, विदाउट म्यूजिक,
वो आपको डाउनलोड होगा, तो वो डाउनलोड हो जाता है लेकिन उसमें कोई भी म्यूजिक की आवाज़ नहीं आती। तो आप उस ऐप से डाउनलोड करोगे तो आपको म्यूजिक के साथ आएगा, आप उसको अपने व्हाट्सएप पर भी लगा सकते हो। स्टोरी से जो सॉन्ग वाला प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगला जो इसका फीचर है, इस फ्यूचर का तो यार आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। एक्स्ट्रा फ्यूचर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपको किसी के भी मैसेंजर पर चले जाना है, और मैसेंजर पर जाने के बाद उसके गैलरी को ओपन, आपको वहाँ पे अपनी गैलरी को ओपन करना। अब आपको अगर 26 सेकंड से ज़्यादा की स्टोरी आपके फेसबुक स्टोरी पर लगानी है तो आप कैसे लगाओगे? तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको किसी भी के भी मैसेंजर पर चले जाना, ठीक है। जाने के बाद आपको देखिए ये स्क्रीन पर देखिए, यहाँ से कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है अपनी गैलरी से, जो 1 मिनट से ज़्यादा की हो या फिर 26 सेकंड से ऊपर की हो। और ठीक है, जाने के बाद उसको एक बार क्लिक कर देना। एक बार क्लिक करोगे तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना ऐड फेसबुक स्टोरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी फेसबुक स्टोरी पर लग जाएगी वो वीडियो, चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, 4 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 6 मिनट की हो। लेकिन 6 मिनट के बाद वो वीडियो नहीं लगेगी, 6 या 7 लिमिटेड होता है उसका। तो आप 6 मिनट 5 मिनट तक की लगाएं, 5 मिनट में यार कोई भी गाना कंप्लीट हो जाएगा, इससे बड़ा कोई भी गाना नहीं होता या फिर वीडियो नहीं होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसमें मूवी लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो कोई देखेगा भी नहीं यार अगर मूवी लगा भी दो बस। हाँ, लेकिन आपको इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन लगेगी ही नहीं यार, तो वो सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। आप लगा तो दोगे, वो किसी को देखेगा नहीं, तो आप मेरे मानोगे तो आप उसको 5 मिनट से ज़्यादा का कोई भी वीडियो ना लगाएं, क्योंकि मैंने भी अपलोड करके देखा था तो 5 मिनट तक का जो वीडियो था उसमें ठीक से लग गया था, और 5 मिनट के बाद नहीं लगा था। तो आपको ट्राई कर लेना है, 5 मिनट तक का लग जाएगा, मैं आपको कन्फर्म करके दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद का अभी तक मेरे पे नहीं लगा, तो आपके पे भी नहीं लगेगा शायद, क्योंकि फेसबुक तो दोनों का सेम है ना, आपका हो या मेरा हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस वीडियो को, मैं आपको इस ऐप का नाम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको इस ऐप का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है वो आपको प्ले स्टोर वगैरह कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल क्रोम वगैरह। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, चैनल पर पहली बार आए, अगर वीडियो पहली बार आए तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप, मैं आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, आइकन पर प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, और इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मैंने यार सोचा था कि फेस स्कैम वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार मेरे थोड़ा सा क्या सेटअप नहीं बन पा रहा था, तो अब सेटअप बन गया तो मैं अपनी फेस स्कैम वीडियो बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप लोग मेरे को फाइटर वीडियोस की रिकमेंड करते थे, यार फाइटर वीडियोस की मैं आपको बोल दूंगा कि फाइटर से मैं दूर रहना चाहता हूँ, फाइटिंग करना नहीं चाहता, ठीक है। और फाइटर बनने से क्या फ़ायदा है यार, कुछ नहीं, दूसरों का आप समझ सकते हो यार, दूसरे को देने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। और वो आपको दे रहा है, आप चार, वो दो दे रहा है, आप चार दोगे तो क्या फ़ायदा यार ऐसे में। यार फाइटिंग बनना ही है तो यार बॉर्डर पे जाके करो, उससे तो इसका तो भला होगा क्या दूसरा जो, तो यार समझ सकते हो यार आप लोग। इसलिए मैं फाइटर वीडियोस के ज़्यादा नहीं डालता, लेकिन आप लोग मेरे उसी वीडियो को ज़्यादा देखते हो जो मैं फाइटर वीडियो डालता हूँ। देखिए इस वीडियो को देखिए, इस पर देखिए कितने के हो गए, 5300 से ऊपर, मतलब 5400 होने वाले हैं इस वीडियो पर, कितने व्यूअर हो चुके हैं। और ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा रैंक कर रही है, बहुत टॉप पर, आप जैसे ही सर्च करोगे तो मेरी ये दो वीडियो टॉप पर जा रही हैं। तो यार मेरे को वो थोड़ा सा इस चीज़ को कम करना है, मैं आपको नॉलेज ज़्यादा अच्छा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो फाइटिंग के बीच में लेके जाऊँ, तो मैं यार फाइटिंग से अलग होना चाहता हूँ। तो आप अगर आप चाहते हो कि यार फाइटिंग के लिए, तो यार और भी चैनल है, आप वहाँ जा सकते हो। कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों को और भी इस टाइप की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक टाइप और ब्लॉगर, और भी है इंटरनेट बहुत बड़ा यार, इंटरनेट से बहुत कुछ हैकिंग के वगैरह के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जानना है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। आपको तो यार चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना,
और काइन मास्टर के बारे में अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो यार मैं हर संडे टू संडे आपको एक काइन मास्टर से बेहतरीन वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यार इस टाइप से आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उस टाइप का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और यार फाइटर वीडियोस के लिए प्लीज़ इस वीडियो का अपडेट आपको देता रहूँगा। तो यार चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब